This is a whole new game. खास बात यह है कि आयर अलीजे कुछ लंदन का फील देना चाह रही है इस फिल्म को। किरदार आप ही ने निभाए ये वाले। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ जो हैं अदाकारा मुज़ना इब्राहिम मौजूद हैं और फिल्म 11वें का रंग रंग रेड कारपेट इस वक्त जारी वो सारी है और अदाकारा मुज़ना इब्राहिम जो हैं रेड कारपेट पर आ चुकी हैं और फिल्म की कास्ट को जो है सपोर्ट करते हुए हमें दिखाई देते हैं। फिल्म के हवाले से उनके तासरा सबसे पहले तो जाने की कोशिश करेंगे। मुज़ना ये बताएं, बड़े अरसे बाद फिल्म आ रही है 11वें, समी खान आपके बड़े फेवरेट हैं हमें पता है। एक्साइटिंग सी बात है। एक तो हम बार बार कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो रेवोल्यूशनाइज हो गई, वो रीवैम्प हो रही है, वो आई थिंक एक पूरी नई इंडस्ट्री क्रॉप अप हुई। पुरानी इंडस्ट्री वहीं की वहीं है, ठीक है, कुछ रेवोल्यूशनाइज नहीं हुआ है। दिस इज़ अ होल न्यू गेम, राइट? और यही मूवीज हैं जो गेम चेंजर्स बन रही है। आई फील दैट जिस तरह हमने मौला जज जैसी मूवीज़ को सपोर्ट किया, विच इज़ अ होल इट्स इन अ लीग ऑफ इट्स ओन, वी हैव टू सपोर्ट एवरी सिंगल फिल्म, क्योंकि हर फिल्म का एक अलग मज़ा, अलग फ्लेवर है। और 11वें की खास बात यह है कि आयर अलीजे कुछ लंदन का फील देना चाह रही है इस फिल्म को, और वो कितनी हैंड्स ऑन थी, कितना उसने पर्सनल अटेंशन दिया एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर, ये मैं देखना चाह रही हूँ आज। आज समी के ऊपर इतना फोकस नहीं जितना कि अलीजे पे। अपने अल्फाज बदल रही हैं सबसे पहले समी खान का जिक्र कर रही हैं। समी इज एन ओल्ड फ्रेंड एंड अ कॉलीग ऑफ माइन, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हिम। ऐसा पलटी है आप अल्लाह की कसम। But the truth is the truth, right? I'm looking forward to seeing what this girl has done. She's completely new. Ek film uske pehle IT ya Yalghar IT, that was decent enough. That was a good movie. It was a decent watch. So I'm looking forward to this. Inshallah kamyab hogi. Inshallah, absolutely. Aur pata hai kamyab kaise hogi? हम आएंगे, देखेंगे फिल्म, एग्जैक्टली, और अपनी एक ओपिनियन बनाएंगे तो ही कामयाब होगी ना। ये नहीं कि चाचा के ताया की फूफी के पड़ोसन को पसंद नहीं आया तो मैं नहीं जा रहा देखने के लिए। वैसे एंटरटेनमेंट कम है। किरदार आप ही ने निभाए हैं ये वाले। वैसे एंटरटेनमेंट कम है इस मुल्क में। जस्ट कम पे 1000 रुपीज, वॉच द मूवी, पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न खाएं, चिल करें एक रात के लिए और अगले दिन अपने कामों पे निकल जाए। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस सच चुकी है, 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है, अनवर मकसूद हैं और बहुत सारे पैनलिस्ट हैं, कब आ रही हैं आप देखने? आई नीड टू कम, वरना अहमद शाह साहब मुझे कत्ल कर देंगे, क्योंकि पिछले साल मैं नहीं गई थी और जिस साल मैं नहीं जाती उसी साल मैं सुनती हूँ कि साल तो कमाल हो गया, लेकिन अहमद शाह साहब हर साल कमाल करते हैं। एंड आई रियली वॉन्ट टू बी मोर एक्टिव आर्ट्स काउंसिल के इवेंट्स पे, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुज़ना, जबरदस्त आपसे गुफ्तगू रही। अदाकारा मुज़ना इब्राहिम इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी आर्ट्स काउंसिल में। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के हवाले से उनका ये कहना था कि मैं जल्द तशरीफ़ ला रही हूँ, अहमद शाह उनको छोड़ने वाले नहीं है। इसके अलावा फिल्म 11वें के हवाले से जो है उन्होंने नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अलीज़े नासिर जो हैं उनकी नज़र में बड़ी बेहतरीन अदाकारा हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इस दफ़ा 11वें में देने जा रही हैं।